आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बांसुरी की इस यात्रा में कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपने मेरे पहले दो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं तो ऊपर दिए हुए यहाँ पे आई बटन को क्लिक कीजिए, जिससे आप पिछले दो वीडियोस देख सकेंगे। मैंने कुछ ऐप्स का नाम मेंशन किया था पिछले एपिसोड में, जिसमें आप तानपुरा और तबले के साथ यूज़ कर सकते हैं आपके रियाज या प्रैक्टिस के लिए। तो इस वीडियो में उसका बहुत उपयोग होने वाला है और आने वाले वीडियोस में भी उसका काफ़ी प्रयोग होगा, तो उनको रेडी रखिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आई तबला प्रो ऐप, ठीक है। इसमें आपको तानपुरा भी मिलेगा, तबला भी है और नीचे स्वर मंडल भी है, वो किसी और दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप इस ऐप को जब यूज़ करेंगे तो इसका जो ये सेटिंग है, ये यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से स्केल में आपकी फ्लूट है, उस हिसाब से आप स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब मेरी फ्लूट है ई में, तो मैंने यहाँ पे इसे Y3 या E3 इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो ये ई स्केल आ गया। ओके, तो ये तानपुरा शुरू हो गया। और इसके अलावा अभी नीचे तबला भी है, तो तबले को मैं सेट कर रहा हूँ 3 ताल में। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे 3 ताल 16 है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो एक्सरसाइजेस दिखा रहा हूँ, ये आप वार्म अप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइजेस है लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स मतलब एक स्वर को एक लंबे समय तक होल्ड करना, इस तरह से। लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 कारण हैं। एक तो आपका स्वर प्रिसाइसली लगाना, ये एक स्किल है और इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका दम सांस, या फिर एक सांस को लंबे समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी, ये बढ़ जाती है। और तीसरा है कि आपकी फूंक बहुत स्टेबल हो जाती है। इनिशियली जब आप लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ना एक नोट आप होल्ड नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में इसकी ये जो सांस है आपकी और फूंक, वो स्टेबल नहीं रहती, वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, इस तरह से, है ना। चीज़ है तो ये नॉर्मल है, इसे फिक्स कर सकते हैं लॉन्ग नोट्स के प्रैक्टिस के साथ। तो आप मेरे साथ ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सा। इस तरह से आप रे, ग और म भी कर सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के लिए प बजाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका प्रेशर काफ़ी बदल जाता है सांस से।
ऊपर का सा, तार सा, जिसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो इस तरह से आप सारे गामा पधनी सा, इन सारे मतलब सात स्वर और ऊपर का सा, इन सब का लॉन्ग नोट्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है सरगम, सरगम यानी सारे गामा पधनी सा। अब इसे हम प्रैक्टिस करेंगे रिदम के साथ या फिर ताल के साथ, ठीक है। तो मैं अभी तीन ताल लगा रहा हूँ और स्पीड है 64 BPM। तो ये देखिए तीन ताल 64, अभी मैं इसको ऑन करूँगा। आप मेरे साथ बजा सकते हैं, रेडी 1 2 3 गो। सेम सरगम छोटी मात्रा के ऊपर जाके दिखाता हूं, याद रहे हमने जो मार्किंग किए थे उसी पे अलाइन करके रखे हैं। रेडी 1 2 3 गो। तो अभी जो पीछे जो ताल चल रहा है, ये ताल था ताल तीन ताल, ताल तीन ताल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे पहला जो ताल सिखाया जाता है वो ये ताल है। इस ताल के बारे में जो विस्तृत या डिटेल जानकारी जो है मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। हमने पहले लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस कर ली और अभी हमने सरगम प्रैक्टिस कर ली ताल के साथ। इसके बाद हम सीखेंगे अलंकार। ये जो एक्सरसाइजेस जो हैं या जैसे मैं अलंकार कह रहा हूँ, एक्चुअली ये स्वरों में अलग अलग हमें पैटर्न्स बनाने हैं और ये सा से शुरू करते हुए असेंडिंग ऑर्डर यानी
आरोह में आपको पैटर्न कंटिन्यू करते जाना है, सा पे वो पैटर्न, फिर रे पे पैटर्न, फिर ग पे पैटर्न, इस तरह से वो पूरा पैटर्न ऊपर के तार सा तक जाएगा और फिर उसी पैटर्न को उल्टा करके अवरोह में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बजाना है, वो नीचे के मध्य सप्तक पे आके रुक जाता है। इन एक्सरसाइज को अलंकार कहते हैं, कुछ कुछ लोग उसको पलटा कहते हैं, लेकिन अलंकार इज द राइट वर्ड। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक अलंकार बजा के दिखाता हूँ। कुछ बेसिक अलंकार से शुरू करते हैं, तो पहले हम बजाएंगे रिपीटिंग नोट्स का अलंकार, जिसमें एक ही स्वर को हम चार बार बजाएंगे। तो उसको चार बार बजाने के लिए क्या करना है, चार बार आपको ब्लो करना है ऐसे, ठीक है। तो अभी ये अलंकार है सा 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 रे 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 ग ग ग ग मा 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 प प प प ध ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध ध प प प प मा 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 ग ग ग ग रे 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 सा 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 रेडी। अगला अलंकार है दो स्वरों का पैटर्न। इसमें हमें एक कांस्टेंट ब्लो रखना है, सिर्फ उंगलियों को मूव करने है, मतलब इस तरह से। तो पैटर्न है सारे सारे, तो इसमें देखिए ये उंगली बंद है और इसी को हमने खोली, ये उंगली बंद है उसी को खोली, इसी तरह से रे ग रे ग, ये उंगली बंद है इसी को खोली, लेकिन फूंक नहीं रही, सब काम उंगलियां करेंगे। ओके, तो ये अलंकार है सारे सारे रे ग ग मा ग मा मा प मा प प ध प ध ध नी ध नी नी सा नी सा सा नी सा नी नी ध नी ध ध प प मा प मा मा ग मा ग ग रे ग रे रे सा रे सा। Thank you.
अब आखिरी अलंकार आज के लिए है तीन स्वरों का पैटर्न। इसमें हम तीन स्वर बजाएंगे और एक मात्रा की गैप रहेगी। तो ये अलंकार है सारे ग अ रे ग म अ ग म प अ म प ध अ प ध नि इ ध नि सा आ सा नि ध अ नि ध प अ ध प म अ प म ग अ म ग रे ए ग रे सा आ। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप मेरे साथ धीरे से बजाइए, मैं स्लोली बजाऊंगा। और जो अ उच्चार में कर रहा हूँ वो गैप है, तो ये इस तरह से बजेगा। इन अलंकारों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो डाउन कर सकते हैं यूट्यूब के सेटिंग में, तो वो 0.75 या फिर 0.5 से आप कम कर देंगे तो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा। मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दूंगा हर एक अलंकार का, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए उसको लूप करने में। जब आपकी फिंगर्स और फूक ठीक से बैठ जाएगी तो आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये तीन अलंकार किए, हमने लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस भी की और हमने सरगम को भी हमने ताल में बजाने की प्रैक्टिस कर ली। तो इसी तरह से आप एक बेसिक प्रैक्टिस रूटीन फॉलो कर सकते हैं, ये रूटीन आगे जाके एक अच्छा वार्म अप बन सकता है। तो कितना भी आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक पहुँच जाए, आपका ये वार्म अप रूटीन आपको मेंटेन करना है। बस अलग अलग अलंकारों को प्रैक्टिस करते रहना है। तो अभी ये तीन अलंकार के बजाय कोई और तीन अलंकार ले लीजिए, या फिर आगे चल के फिर जब आप कोमल स्वर इनके या फिर और अलग अलग रागों के बारे में जानकारी लेंगे तो आपकी सरगम में आप कोमल स्वरों को ऐड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको काफ़ी अलग अलग तरह से अलंकार सिखाऊंगा, उनके अलग अलग टाइप सिखाऊंगा और अपने खुद के अलंकार कैसे बनाने हैं ये भी आपको मैं सिखा दूंगा। बस अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए, तो मैं ध्यान रख के ऐसा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आगे जाते हुए। और हाँ, मैंने शुरुआत में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था एक अलंकार का, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप स्वर ज्ञान रखते हैं तो आप उस अलंकार को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके लिए एक छोटा सीक्रेट चैलेंज है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छा रियाज कीजिए। नमस्कार।